मॉर्निंग बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था चाहता हूँ, आज हम लोग उसके प्रश्नोत्तरी पर जाएंगे जो कि हमारे हिंदी विषय में शीर्षक वन जो हमारा है चाहता हूँ, और जिसके कवि राम अवतार लक्ष्मी हैं उनका उस कविता के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग और फिर अपने कॉपियों पर उसे लिखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। सवाल हमारा है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का, हमें जन्म देने का, हमारा पालन पोषण करने का, हमारी रक्षा करने का, जैसे अनेकों ऋण हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब हो गया। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न जो है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु तथा उसके ऋण से उऋण होने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हमारा जो प्रश्न तीन है, हाल मेला हूँ सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करें। मैंने इस पंक्ति के बारे में बताया भी था, थाल मतलब होता है थाली और अब भाल मतलब होता है मस्तक। तो अपने मस्तक को थाली में सजा करके कोई व्यक्ति तभी ला सकता है जब वो प्राण न्यौछावर करने की बात कर रहा हो, देश की रक्षा हेतु अपने प्राण बलिदान करने की बात कर रहा हो। तो इसका स्पष्ट उत्तर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इनका इसका जो भाव निकलता है वो भाव हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इस पंक्ति का यह अर्थ है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मेरे प्राणों का अर्पण स्वीकार कर लेना। ये मातृभूमि के लिए कहा जा रहा है, धरती माँ से ये निवेदन कवि कर रहे हैं कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मेरे प्राणों का अर्पण स्वीकार कर लेना। प्रश्न संख्या चार पर आते हैं हम, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की बात की गई है। तो यहाँ हम इसका उत्तर देखेंगे, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व तलवार की धार तेज करने, कमर पर ढाल बांधने तथा मस्तक पर धरती माँ के धूल का तिलक लगाने की बात की गई है। हमने जिस तरह कविता में उसका अध्ययन किया था कि किस प्रकार से तलवार मांझने की बात हो रही है, मांझ दो तलवार की, लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, जब ऐसी बात वहाँ पर हो रही थी, तो इस पंक्ति का यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर यही निकल कर आता है कि कविता में युद्ध में जाने के पहले तलवार की धार तेज कर देने की बात की जा रही है, कमर पर ढाल को बांध कर देने की बात की जा रही है और अपने माथे पर तिलक के रूप में धरती माँ के धूल को लगाने की बात कवि यहाँ कर रहे हैं। प्रश्न संख्या पाँच पर आते हैं अब, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। कभी हमने पंक्तियों में, कविता की पंक्तियों में हमने देखा था लास्ट पंक्ति में जिसमें ये लिखा गया था कि वो अपने घर आंगन से, अपने घर परिवार से, मोह माया से दूर होकर के उनसे क्षमा मांगना चाहता है कभी, और वो जाना चाहता है मातृभूमि की रक्षा हेतु युद्ध में जाने के लिए तत्पर हो रहा है। तो इसलिए वो अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु युद्ध में जाने के लिए अपने घर आंगन से क्षमा मांगना चाहता है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ देख लेंगे कि कवि गांव घर तथा परिवार एवं सांसारिक मोह माया का त्याग कर युद्ध भूमि में जाना चाहता है तथा अपने देश का ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, देश का ध्वज लहराना चाहता है, इसलिए कविता में क्षमा याचना की बात की गई है। इस प्रकार से कविता में हमें पांच प्रश्न दिए हुए हैं और पांचों प्रश्न का उत्तर यहाँ पर उपलब्ध है, मैंने बोल भी दिया है, इसे आप अपनी अपनी कॉपियों में सुंदर सुंदर अक्षरों में शुद्ध शुद्ध लिख लेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।